हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अल्मोड़ा जिले में न्याय के देवता के नाम से प्रसिद्ध चितई गोलजू मंदिर में पुजारियों की नियुक्ति और प्रबंधन कमेटी में सिर्फ सरकारी अधिकारियों को शामिल करने की विज्ञप्ति जारी करने का मामला नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गया है। उच्च अदालत ने मामले में डीएम समेत कई अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। इस मामले में अल्मोड़ा निवासी संध्या पंत ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक विशेष याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके परिवार से ताल्लुक रखने वाले केशव दत्त और भोला दत्त पंत ने 1919 में गोलजू मंदिर की स्थापना की थी। मंदिर बनाने के लिए ठेकेदार को 650 रुपये भुगतान भी किया गया था, लेकिन प्रशासन हाईकोर्ट के आदेश की आड़ में मनमानी कर रहा है। हाईकोर्ट ने गैर धार्मिक गतिविधियों के लिए कमेटी बनाने के आदेश दिए थे, लेकिन कमेटी में डीएम, एसडीएम, जिला पर्यटन अधिकारी और तहसीलदार ही शामिल किए जा रहे हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि उनका परिवार स्थापना के बाद से ही मंदिर में उपासना कर रहा है। प्रशासन ने जो विज्ञप्ति जारी की है उसमें मंदिर से जुड़ा कोई भी सदस्य शामिल नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन है। इस मामले में सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि कुमार मलिमत व न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ ने प्रदेश के सचिव पर्यटन, जिलाधिकारी अल्मोड़ा और एसडीएम को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं। न्याय देवता गोलू मंदिर चितई में जो कमेटी गठित की गई है जिलाधिकारी अल्मोड़ा द्वारा, जिसमें कि राज्य सरकार के ही विभागों के प्रतिनिधि रखे गए हैं, उसके संबंध में अपील पुजारी परिवार की ओर से दायर की गई थी और उसमें बताया गया था कि इसी परिवार ने इस मंदिर की स्थापना की है। और जबकि ऑनरेबल डिवीजन बेंच की डायरेक्शन थी कि सिर्फ गैर धार्मिक गतिविधियों के मैनेजमेंट के लिए कमेटी गठित की जाएगी, लेकिन कमेटी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर मंदिर की धार्मिक गतिविधियों में भी हस्तक्षेप किया जा रहा है, जिस पर आज ऑनरेबल कोर्ट ने सचिव पर्यटन सहित जिलाधिकारी अल्मोड़ा और जो सरकारी कमेटी गठित की गई है उसको नोटिस जारी करके अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।